नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भोपाल, मैनेट प्रशासन ने 6 माह की इंटर्नशिप कर रहे बीटेक अंतिम वर्ष छात्रों के लिए 6 NPTEL पाठ्यक्रम का चयन अनिवार्य कर दिया है। छात्रों का कहना है कि इंटर्नशिप को उचित क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है और 6 NPTEN पाठ्यक्रमों को चयन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। छात्रों का यह भी कहना है कि 8 से 10 घंटे की इंटर्नशिप के साथ NPTEL के पाठ्यक्रमों को पढ़ना और परीक्षा को पास करना असंभव है, जिसके कारण उनको डिग्री मिलने में देरी हो जाएगी और साथ ही लगी लगाई नौकरी भी छूट जाएगी। इस निर्णय से लगभग 250 से ज़्यादा छात्र प्रभावित हो रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरी तरह से शासन के खिलाफ है। मैनेट प्रशासन के इस असंवेदनशील निर्णय से छात्र अत्यधिक मानसिक तनाव में हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निरंतर 3 दिन से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धरने पर बैठे हुए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग है कि इंटर्नशिप को यथोचित क्रेडिट दिया जाए, जिससे कि उनका भविष्य खतरे में ना पड़े। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आयुष पराशर ने बताया कि लंबे समय से हो रही मैनेट छात्रों को समस्या के निराकरण के लिए 56 घंटों से टेंट लगाकर धरने पर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि इंटर्नशिप को यथोचित क्रेडिट दिया जाए, जिससे कि उनका भविष्य खतरे में ना पड़े और जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। विगत 56 घंटों से महाविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई भी छात्रों से बातचीत करने नहीं आया। स्टूडेंट की मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है जी। विगत 3 दिन से, आज हमारा 3रा दिन है धरने का। तो हम ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट है मौलाना आज़ाद, इसके प्रशासन जो डायरेक्टर है उनके खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी जो रूढ़िवादी सोच है, जो उनका तानाशाही रवैया है, उसको ध्वस्त करने के लिए आज विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता विगत 3 दिवस से 56 घंटे से यहाँ पर धरने पर बैठा हुआ है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, विद्यार्थी परिषद के संज्ञान में ये जब बात सामने आई तो हमें ज्ञात हुआ कि ये एक तानाशाही रवैया है। जो व्यक्ति 10 से 12 घंटे की इंटर्नशिप कर रहा है उसके ऊपर ऐसा आदेश थोपना कि वो अलग अलग सेंटर पर जाके एग्ज़ाम दे, NPTEL के एग्ज़ाम दे, वो सरासर गलत है। तो विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता ये मांग करता है कि जो विद्यार्थी जो बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं उसी का उनको क्रेडिट दिया जाए, अन्यथा और कोई एग्ज़ाम उनको नहीं ली जाए। इस मांग के लिए हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज धरने पर बैठे हुए हैं विगत 3 दिवस। सरकार से मांग हुई क्या इस संबंध में आपकी? सरकार से भी कोई मांग नहीं हुई है इस संबंध में। हमने मैनेट प्रशासन से ही, अब क्योंकि जब मैनेट प्रशासन बोलता है कि ये सब हमारे बच्चे हैं, तो हमारा पहले अधिकार मैनेट से ही बोलने का है, तो प्रशासन से ही बोलने का है। तो इसलिए हमने अभी प्रशासन को एक मेमोरेंडम के दिए, ज्ञापन के थ्रू जताया है कि हमारी क्या क्या मांगे हैं, उस पर जल्द से जल्द हमें लगता है कि सुनवाई होगी। गवर्नर साहब को दिया गया? नहीं, अभी कोई ज्ञापन नहीं दिया हुआ गवर्नर साहब। देने का विचार है? बिल्कुल, अगर ऐसा मान लो नहीं हुआ तो नहीं, तो हमको धरने पे बैठे हुए, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम धरने पे बैठेंगे। और अगर इनकेस यहाँ से कुछ रवैया, ये कुछ रवैया नहीं अपनाते, इनसे कुछ हमें एक अच्छा आंसर नहीं मिलता है, तो हम आगे की ओर कूच करेंगे। ABPP जो न्यूज आपको वो है। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.